कार्यकर्ता, हमारे संघ के कार्यकर्ता और भाजपा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर खूनी हिंसा कर रहे हैं। इसी खूनी हिंसा के विरुद्ध आज हम केरल सरकार के विरोध में इस धरना का आयोजन किए हैं। हम साधुवाद देना चाहते हैं इस आयोजनकर्ता को कि आपने देश के अंदर जो हलचल हो रही है, जो वामपंथी विचारधारा राष्ट्रीयता को कुचलने का जो मुहिम चला रखी है, ऐसे राष्ट्रीयता को कुचलने वाले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट सरकार को हम सबक सिखाएंगे। इस धरने के माध्यम से देश के महामहिम राष्ट्रपति को हम एक ज्ञापन भी देंगे। अभी हमारे पप्पू जी कह रहे थे कि हमारा देश गीता का भी बात करता है, यानी शास्त्र की भी बात करता है। अगर शास्त्र से बात नहीं मानी तो हम शस्त्र की भी बात करते हैं। यह हमारा सनातन धर्म रहा है। इसलिए मैं केरल सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, इस धरने को गीता के संग में समझना तुम, इस धरने को इस रूप में समझना कि रामगढ़ की जनता जाग गई है, देश की राष्ट्रवादी शक्तियां जाग चुकी हैं, और जब जब युवा लड़ाई लेती है, राष्ट्रवादी शक्तियां लड़ाई लेती है, तो इस देश को बदलने में, परिवर्तन करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हम अभिनेश जी के विचारों का भी स्वागत करते हैं, हम सुजीत जी के विचारों का भी स्वागत करते हैं। बहुत सारे वक्ताओं का विचार आया है, स्वागत योग्य है। मित्रों, हम अंत में यह कहना चाहते हैं कि राष्ट्रभक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम। हम वंदे मातरम बोलने वाले हैं, हम भारत माता की जय बोलने वाले कार्यकर्ता हैं। इसलिए केरल की वामपंथी विचारधारा वाली सरकार और जेएनयू में जो अफजल के समर्थक वैसे वामपंथी विचारधारा के जो कार्यकर्ता हैं कन्हैया जैसे तुच्छ जीवाणु को मैं यह चेताना चाहता हूं कि अभी तो यह अंगड़ाई लिया है हमने, अभी पूरी लड़ाई बाकी है। अगर संघ के कार्यकर्ता भाजपा भी सिंधु परिषद बजरंग दल तमाम राष्ट्रवादी शक्तियों के ऊपर